नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश अध्यापक शिक्षक समाचार से बहुत बड़ी खबर आ रही है सातवें वेतनमान के एरियर को लेकर। अध्यापकों के सातवें वेतनमान का 11 माह का एरियर भुगतान होने की खबर है। अक्टूबर जो कि एक महीने का लेट वेतन मिला था उसका, और हर बार जो है नई अड़चन संकुलों के रवैये से। संकुलों ने इस पर क्या जवाब दिया है और DEO इस पर क्या बोल रहे हैं, चलिए विस्तार से पूरी खबर जान लेते हैं। दोस्तों, इस पर अपने विचार जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नई मुसीबत, पिछले 11 महीने की अवधि का किया जाना है भुगतान। नए कैडर के शिक्षकों के सातवें वेतन में अंतर, करोड़ों रुपए की राशि अटकी। हर बार आई नई अड़चन, संकुलों के रवैयों को लेकर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ी। संघ ने कहा कि कई बार सौंपे ज्ञापन सुनवाई ही नहीं हो रही। शासकीय अध्यापक संगठन के उपेंद्र कौशल, जितेंद्र साक, आजाद अध्यापक संघ के शिवराज वर्मा, अध्यापक संघ के हीरानंद नरवरिया समेत अन्य पदाधिकारियों को कहना है कि हमने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, इसे लेकर अब तक सुनवाई ही नहीं हो रही है। हाल ही में अधिकारियों को पत्र भी लिखे, संकुलों से इसमें देरी की जा रही है। पहले यह बोलते रहे कि ऊपर से आदेश नहीं है, फिर बोले बजट नहीं है, अब भरोसा दिला रहे हैं जल्द करा देंगे। अध्यापक भले ही शिक्षक बन गए हों लेकिन उनकी मुसीबत कम नहीं हो पा रही है। अध्यापक संवर्ग से राज्य स्कूल शिक्षा सेवा कैडर में शामिल हुए कई शिक्षकों के सातवें वेतन की अंतर की करोड़ों रुपए की जो राशि है वो अटक गई है। वे शिक्षक इसके लिए कई महीनों से परेशान हो रहे हैं। अब उन्होंने विभागीय अधिकारियों से एक बार फिर यह राशि जल्द दिलाने की मांग कर डाली। नए कैडर में शामिल हुए इन शिक्षकों को अक्टूबर 2019 से सातवें वेतनमान का नकद भुगतान किया गया। कई अध्यापकों की एक कैडर में नियुक्ति के आदेश बाद में जारी हुए थे, इन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के कई संकुलों के स्कूलों में पदस्थ इन शिक्षकों को यह राशि अब तक नहीं मिल सकी। इस वजह से ऐसे एक शिक्षक को 70,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। अक्टूबर 2019 से वेतन का भुगतान। जो अध्यापक अक्टूबर 2019 से नए कैडर में आ गए और उनके नियुक्ति आदेश हो गए थे, अक्टूबर 2019 के बाद जिनकी नियुक्ति आदेश हुए उन्हें सातवें वेतन का भुगतान सितंबर 2020 से किया। अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक के सातवें वेतनमान के अंतर की राशि नहीं मिली। यह अंतर की राशि से जुड़ा मामला, जिनकी नियुक्ति नए कैडर में हुई उन्हें अक्टूबर 2019 से सातवें वेतनमान मिल गया, जिनके नियुक्ति आदेश बाद में हुए इन्हें सातवें वेतन का भुगतान सितंबर 2020 से किया। अब इन्हें अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक के सातवें वेतनमान का भुगतान होना है जो नहीं हो पा रहा है। इन 10 संकुलों के 350 शिक्षक परेशान। निषादपुरा बालक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेशन एरिया, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेशन एरिया, उबेदिया हाई स्कूल बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हमीदिया, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी हमीदिया, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 और 2। नियुक्ति आदेश देरी से होने की 3 वजह। पहली है कि ई सर्विस बुक सत्यापित नहीं हो पाई। दूसरा, संकुलों से समय पर जानकारी DEO ऑफिस नहीं पहुंच सकी। और तीसरा, कुछ अध्यापकों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन। संकुलों के जवाब, पहले कहा कि विभाग से आदेश नहीं आए हैं, फिर बोले बजट नहीं है, अब कह रहे हैं जल्द भुगतान कराएंगे। वहीं DEO भोपाल नितिन सक्सेना, उनका कहना है कि जब इनके वेतन का निर्धारण हो जाएगा तब इन्हें यह भुगतान किया जाएगा, यह प्रक्रिया अभी जारी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के लगभग 2.5 लाख अध्यापकों का जो शिक्षक बन गए उनका मामला है, उनको सातवें वेतनमान का जो है एरियर मिलना है। इस पर अपने विचार लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।